19 अक्टूबर मनाया जाता है वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे, यानी कि बच्चों के विच होने वाली हड्डियां अते जोड़ां रिलेटेड समस्यावां नूं जागरूक करन दा एक दिन। खास करके असीं जिवें जानते हाँ कि बच्चों के सट्टां बहुत ही आम तौर पर देखिया जांदियां हन, कई बारी ये सट्टां उन्हां दियां हड्डियां ते वी जोड़ां ते असर पा दिंदियां ने। बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है जागरूक रखना पेरेंट्स नूं ते स्कूल च ध्यान रखने वाली टीचर्स नूं कि जे वो देखते ने कि किसी बच्चे दी जोड़ां दे विच दर्द है, जोड़ां च सोजिश रहिंदी है, या फिर बच्चा किसी स्पोर्ट्स दे विच इनवॉल्व हुंदा होया बहुत जल्दी थक जाता है, या फिर तुरदे भजदे लत्तां दे विच टेढ़ापन है, कोई भी लंगा है, चाल दे विच फर्क है, इहो जे बच्चां नूं समय सिर पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छे टैसट, अच्छे क्लीनिकल एग्जामीनेशन दे नाल इहो जे बच्चा नूं असी प्रॉब्लम नूं फड़ सकते हाँ, उहदा ट्रीटमेंट कर सकते हाँ। खास करके अज मैं इस दिन ते जागरूक करना चाहवांगा वो बच्चों दे उत्ते भी जिन्हां दा किते ना किते वेट ज़्यादा है, वेट बच्चों च ज़्यादा होने करके जोड़ां ते प्रेशर वध जांदा है, क्योंकि बच्चों दीआं हड्डियां समय दे नाल अजे ग्रो कर रही हुंदियां ने, सॉफ्ट हुंदियां हड्डियां बाकी लोकां नालों अडल्ट्स नालों, ते एक्सेस वेट दे करके वो हड्डियां बेंड भी हो जांदियां ने। इत्थे गौर करन वाली गल है कि मोटापे दा सब तो वड्डा कारण जो अपने देख रहे हाँ, बच्चे अजकल बाहर खेडन तो ज़्यादा मोबाइलों ते खेडना ज़्यादा पसंद करते ने। कमज़ोर हड्डियां दा एक कारण उन्हां दे विच डिगदा होया विटामिन डी लैवल है, क्योंकि बच्चे सनलाइट दा एक्सपोजर नहीं लैंदे, सनलाइट की कमी दे करके विटामिन डी लैवल्स भी उन्हां च काफ़ी घट हुंदे ने, नाल दी नाल अच्छी डाइट का सेवन नहीं करते, तो इहदे विच बच्चे ते टीचर्स दोनों का फर्ज बनता है कि उन्हां नूं अच्छी डाइट प्रोवाइड की जाए। सिमिलरली जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं एक्सरसाइज़ दे विच इनवॉल्व होना चाहिए है, अच्छी एक्सरसाइज़ जो कि जॉइंट तो स्ट्रैस नूं दूर करती है, जिद्दां कि स्विमिंग हो गया, साइकलिंग हो गया, बहुत गुड एक्टिविटीज़ ने जो कि उन्हां दे बोनस एंड जॉइंट्स नूं हैल्दी करदियां ने। मैं ये ऑपरचुनिटी लेना चाहवांगा अज 19 अक्टूबर ते इस गल इस विषय ते गल करन दी, ते मैं सारे अपने लिसनर्स दा उन्हां अगे अनुरोध करांगा कि अपने बच्चा दा ध्यान रखो, उन्हां नूं सुरक्षित रखो, ताकि आने वाले टाइम च उन्हां नूं हड्डियां ते जोड़ां रिलेटेड कोई भी समस्या ना आवे। सत श्री अकाल।